श्रीनगर में हॉस्पिटल की हालत खस्ता है, मरीजों की तादाद ज्यादा है और हॉस्पिटल सिर्फ गिनती के ही हैं। हालात ये हैं कि मजबूरन मरीजों को इलाज के लिए कमलपुर जाना पड़ता है। नहीं पतलू, मैंने इस बात को ठान लिया है कि मैं फुरफुरी नगर में सारी सुविधाओं वाला हॉस्पिटल बनवाऊंगा। हाँ, चाहे कितने भी पैसे क्यों न लगे। और तुम देख लेना, फुरफुरी नगर के लोग इस नेक काम के लिए मुझे दिल खोल कर पैसे देंगे। भाइयों और बहनों, दिल खोल कर चंदा दीजिए कि फुरफुरी नगर के लोगों के लिए अच्छा सा हॉस्पिटल खोला जाए। दीजिए दीजिए, दिल खोल कर चंदा दीजिए। थैंक यू। ओहो, इस तरह तो मुझे हॉस्पिटल का चंदा जुटाते हुए सालों बीत जाएंगे। हाँ, मोटू को हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसों की जरूरत है। नंबर वन, नंबर टू, मेरा प्लान सुनो। चाय वाले भैया, तुम्हारे पास समोसे, मिठाई, जो कुछ भी है सब एक एक प्लेट दे दो। नंबर वन, नंबर टू, तुम दोनों बैंक लूट कर आ रहे हो क्या? हाँ, अरे नहीं नहीं, लूटपाट, छीना झपटी सारे काम हमने त्याग दिए हैं जब से हम समाधि बाबा से मिले हैं। इतने सारे पैसे हमें समाधि बाबा की वजह से ही मिले हैं, ये देखो। अब ये समाधि बाबा क्या चीज है? अरे तुम उनके पास जाओ, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। जंगल के बाहर जमीन के नीचे समाधि लगा के बैठे हैं। उनकी कृपा हो गई तो जितनी मार पड़ती है उतने ही रुपए भी मिलते हैं। थैंक यू नंबर वन, थैंक यू। मैं चला पतलू। मोटू रुक जाओ। जय हो समाधि बाबा की जय हो। कहा है समाधि बाबा, अब कहा है समाधि बाबा? आँख खोलिए, मुझे एक अस्पताल बनाने के लिए बहुत सारे रुपयों की जरूरत है। तुम अच्छे काम के लिए पैसे मांग रहे हो, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। जाओ और लोगों से पीटो, जितना ज्यादा तुम लोगों से पीटोगे उतनी ही ज्यादा धनराशि तुम्हारे बैंक अकाउंट में जमा होती जाएगी। और तब तक पीटना जब तक अस्पताल बनने लायक पैसा जमा ना हो जाए। जय हो फुरफुरी नगर की भलाई के लिए मैं पिटने को भी तैयार हूँ। पिटाई करने के लिए बॉक्सर भैया से अच्छा और कौन हो सकता है? बॉक्सर भैया आ जाओ, आमने सामने की फाइटिंग हो जाए। ओ नहीं यार, आज मेरा लड़ाई करने का बिल्कुल मूड नहीं है। आज मेरा व्रत है, हर साल आज के दिन मैं अपने बॉक्सिंग ग्लव्स की पूजा करता हूँ। बॉक्सर भैया, मैं खुद आपको मुझसे फाइट करने को कह रहा हूँ तो आप मना कर रहे हो। ओए बोल दिया ना, नहीं मारूंगा तो नहीं मारूंगा। ओए बॉक्सर भैया, मैं भी देखता हूँ आप कब तक मुझे नहीं मारोगे। आपको मुझे पीटना ही पड़ेगा बॉक्सर भैया। जैसी तुम्हारी इच्छा। आओ मेरे साथी आओ। ओए पीटने के बाद मिलता हूँ पतलू। हेलो मोटू जी, मैं फुरफुरी नगर बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ। आपके अकाउंट में अचानक से बहुत सारे पैसे डिपॉजिट हो चुके हैं। जय हो पैसे आ गए बैंक में, पैसे आ गए अस्पताल के लिए, पैसे आ गए। बॉक्सर भैया थैंक यू, थैंक यू बॉक्सर भैया। अरे इस मोटू को क्या हो गया, मुझसे पिट कर गया है और थैंक यू भी बोल रहा है। लगता है मोटू उस समाधि वाले बाबा के झांसे में आ गया है। हेलो मोटू, तुम
में मेरे साथ इडली डोसा सांबर चटनी खाओ। चिंगम सर, मैं यहाँ आपके पास इडली डोसा खाने नहीं आया, आपकी मार खाने आया हूँ। आओ आप मेरे साथ फाइट करो। अयो माँ, मैं तुम जैसा अच्छा आदमी से फाइट क्यों करूँगा? आपको मुझे पीटना ही पड़ेगा। आओ सर, मुझसे फाइट करो। मैं तुम्हारे मुझे मारे मारे मुझे मैं चलूंगा। तुम मार ही नहीं सकते, मार कर दिखाओ। तुम क्या मारोगे? इधर आओ, इधर आओ। मोटू, लगता है मोटू पक्का उस समाधि वाले बाबा के झांसे में आ चुका है। मोटू सर, मैं बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ। क्या आपकी कोई लॉटरी लगी है क्या? आपके अकाउंट में अचानक से बहुत सारे पैसे डिपॉजिट हो चुके हैं। जय हो! मैं माला माल हो गया। समाधि बाबा की जय! देखा मेरे शैतानी दिमाग के तूफानी आइडिया। मैंने समाधि बाबा बनकर मोटू को पैसे कमाने का ऐसा तोड़ू समाधान दिया कि मोटू पूरी तरह टूट फूट जाएगा। अच्छा, तो वो बाबा जॉन ही है, मोटू को बिना मेहनत पैसे कमाने का पाठ पढ़ा रहा है। बेटा, मैं समाधि बाबा बोल रहा हूँ। मैंने अपने दिव्य आँखों से तुम्हें बहुत ज्यादा पिटते हुए देखा है। अब मैं तुम्हें 4 गुना ज्यादा पैसे कमाने का समाधान बताता हूँ, जिसको तुमने अपने जीवन में सबसे ज्यादा पीटा हो। जाओ उसे फिर से पीटो, खूब पीटो। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा किसको पीटा है, किसको पीटा है? हाँ, याद आया, जॉन द डॉन को। बाबा, मैंने तो आज तक एक ही आदमी को सबसे ज्यादा पीटा है, जॉन द डॉन। मैं उसे पीटने जा रहा हूँ बाबा। तो फिर ठीक है बच्चा, जाओ और उसे पीटो। याद रहे, जब तक बैंक मैनेजर आके ये न कहे कि बस बस और पैसे रखने की जगह बिल्कुल नहीं है, तब तक पीटते रहना। जाहो, पीटूंगा बाबा जी, पीटूंगा, जम के पीटूंगा। जाहो, बाबा जी की जय। जॉन बनेगा जॉन। देखा मेरे शैतानी दिमाग का आइडिया? मोटू ने हमेशा मुझे रगड़ रगड़ के धोया है। वो सब हिसाब किताब आज मैंने उससे पूरा कर लिया है। जॉन, आज मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। एक बार तुमने हॉस्पिटल बनाने के लिए 100-100 के नोट दिए थे, लेकिन आज समाधि बाबा ने कहा है कि मैं तुम्हें तब तक पीटू जब तक बैंक मैनेजर ये ना आके कहे कि पैसे रखने के लिए बैंक में जगह नहीं है। और उम्मीद है कि तुम इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानोगे। ये मैंने कब कहा, कहा कहा, किससे कहा? मेरा मतलब है समाधि बाबा ने। जॉन, मैं तुम्हें सब क्लियर क्लियर बताता हूँ। नंबर 1, तुमने समाधि बाबा के बारे में बता के मेरी जिंदगी ही बदल दी। मार! कितना मारोगे? और कितना मार सकता हूँ, उतना मारूंगा। पतलू, बैंक मैनेजर का फोन आए तो मुझे बताना। बस करो, बस करो, कितना मारोगे, क्यों मारोगे?
किसी बैंक मैनेजर का फोन नहीं आने वाला, ना तो आएगा। मैनेजर और समाधि बाबा दोनों मैं ही हूँ। जॉन झूठ मत बोलो, मैं पैसे कमा कर ही रहूंगा। मोटू मेरी बात का यकीन करो, ये देखो बाबा के कपड़े, देखो ना, बिलीव मी, ये दाढ़ी, ये मूंछ, सब नकली है। क्या मतलब तुम ही समाधि बाबा थे? मैं ही था। ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेता हूँ, लेकिन हम सब हॉस्पिटल के लिए चंदा इकट्ठा करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक हॉस्पिटल बन ना जाए।